सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चप्पल उतार के इस घंटी को भी बजा दीजिए मगर प्यार से। तो दोस्तों ऑनर, जो ऑनर का नाम हमने सुना होगा, काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो दोस्तों जो ऑनर है हुआवे कंपनी, जो सब ब्रांड है हुआवे का, तो दोस्तों नया फ़ोन लाने वाला है ऑनर का 7 प्ले, प्ले सेवन या फिर 7 प्ले नाम से होने वाला है दोस्तों। और वो चाइना में हो गया लॉन्च, उसका बताऊँ मैं आपको प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस तो 6,500 में इंडियन करेंसी में वो आता है दोस्तों, अगर हम चाइना रुपीस को, मतलब चाइना की करेंसी को इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करें तो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, क्योंकि सेल्फी लवर्स के लिए इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, वो भी प्रोजेक्ट 2.0 के ऊपर, मतलब 2.0 के ऊपर। तो दोस्तों ऐसा फर्स्ट बार हुआ कि 6,500 में आपको सेल्फी कैमरा 24 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। हाँ तो दोस्तों हम करते हैं उम्मीद कि इंडिया में भी इस प्राइस में लेके और काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस है। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा मीडियाटेक का, कुछ लोकल टेक का प्रोसेसर है, मतलब नॉर्मली प्रोसेसर है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा, फिर भी प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बजट रेंज में 6,500 में आपको इतना ही मिलेगा। वैसे स्नैपड्रैगन के 430 देना चाहिए था इसमें, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। और पीछे की कैमरा की बात करें हम, तो आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा इसमें, अपर्चर f/2.0 के ऊपर में दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा कैमरा तो अच्छा रहने वाला है, वो अबे एक कैमरा कंपनी टाइप में है, तो कैमरा अपने मोबाइल में बहुत ही अच्छे तरीके से देता है दोस्तों। वीवो और ओप्पो कितने हज़ार में देता है आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा देता है दोस्तों 18 से 20 हज़ार के रुपीज़ के ऊपर में, तो मतलब आसपास में। तो दोस्तों आपको 6,500 में ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है फ्रंट कैमरा। अगर सेल्फी लवर्स हैं, आपके पास बजट कम है, 7,000 रुपये के बीच का बजट है, तो आप इसको बाय कर सकते हो अगर इंडिया में आता है तो। इंडिया में आने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि हुआवे ऑनर अपना सारे फ़ोन इंडिया पर लॉन्च करता है दोस्तों, तो बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है इंडिया पर ये फ़ोन। और आपको कुछ वेरिएंट, 2-3 वेरिएंट में शायद तक मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी आने के बाद हम आपको इसका अपडेट आपको दे देंगे। और एक बात बताऊं कि इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आपको मिलने वाला है, मतलब 80x9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं कब आता है इंडिया में। बस इतने ही अपडेट थे मेरे पास, तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास इतना ही था। तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा, और मेरे साथ बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।